2020 से 21 की तरह एक बार फिर आंदोलन जीवियों द्वारा देश की राजधानी को चारों ओर से बंधक बनाने की साजिश की जा रही है। आंदोलन करने वाले चाहते हैं कि मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन खुद एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये सब सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की एक साजिश है। लेकिन यहाँ सवाल मांगों का नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये जो लोग आज दिल्ली के बॉर्डर को घेरे बैठे हैं, क्या ये वाकई किसान हैं? सुरक्षा बलों पर हमला। आंदोलन के दौरान खनौरी सीमा पर आंदोलनजीवियों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और पराली में मिर्च पाउडर डालकर उसमें आग लगा दी। उन पर लाठियों से हमला किया, पथराव किया, जिसमें करीब 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। और न्यूज के मुताबिक इस आंदोलन में अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। क्या आप ऐसे गुंडों को अन्नदाता कहेंगे? क्या देश का अन्नदाता किसी भी पुलिसकर्मी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकता है? खूंखार हथियार से बात। एक आम किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल अपनी खेती में करना जानता है, लेकिन किसान आंदोलन में ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक उपकरण लगाकर मॉडिफाई किया गया है, जो बैरिगेट को भी उखाड़ फेंकते हैं। आंसू गैस के गोले से लड़ने के लिए हार्ड शेल ट्रेलर तैयार किया गया है। इन मशीनों की हॉर्स पावर दुगनी कर दी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के लिए 1500 ट्रैक्टर, 500 व्हीकल को मॉडिफाई किया गया है। क्या अन्नदाताओं के पास बर्बाद करने के लिए इतना पैसा हो सकता है? मांग या मजाक। ये आंदोलनजीवी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे, लेकिन इनकी मांगे ही हर दिन बदलती है। पहले MSP मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन आज ये आंदोलनजीवी हर महीने वेतन की मांग कर रहे हैं। अगर किसानों को वेतन मिलेगा तो वो किसान कैसे होंगे, और इसके बाद तो मजदूर भी मांग करेंगे। सरकार पहले ही DPT से हर महीने किसानों को पैसे भेजती है, फिर ऐसी बेतुकी मांग क्यों कर रहे हैं ये आंदोलनजीवी? आंदोलन की आड़ में साजिश। इस आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामने आया था कि आंदोलन के लिए तैयारी बहुत पहले से की जा रही है, जिसमें 40 रिहर्सल और मार्च थी। इस आंदोलन को लेकर किसान संगठन 100 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। मुख्य तौर पर इन लोगों के निशाने पर PM और गृह मंत्री आवास है, और धर्मशालाओं में छिपने की प्लानिंग है, और 6 महीने का राशन तक जमा है। आप खुद ही सोचिए, क्या असली अन्नदाता खेती करेगा या ये सब प्लानिंग करेगा? आम लोग हुए त्रस्त। CIAT की रिपोर्ट के अनुसार इस आंदोलन से व्यापार को अब तक 300 से 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पिछले आंदोलन में हर दिन भारत को 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा था। चक्का जाम के चलते एम्बुलेंस भी फंस रही थी और आम लोगों को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते अब लोगों का इन आंदोलन जीवियों पर गुस्सा फूटने लगा है। जो अन्नदाता देश का पेट भरते हैं, क्या वो देश की जनता को कभी भी ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब सरकार इन लोगों के पास समझौते के लिए जाती है तो ये उसके लिए भी तैयार नहीं होते। जो इनकी मांगे हैं उसे कभी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, पंजाब में आप पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में क्यों ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं, और कौन इन लोगों को शह दे रहा है?